जय श्री कृष्ण। पूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण दो ही बातों पर बल देते हुए दिखाई देते हैं। पहला तो समभाव में रहना और दूसरा राग और द्वेष से दूर रहना, क्योंकि ये राग और द्वेष ही है जिनके कारण काम, क्रोध, मोह, मत्सर ये सभी विकार उत्पन्न होते हैं। ये सभी तरह के विकार सबसे पहले हमें कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर पर पकड़ बनाते हैं, और जिसका प्रभाव दिखता है हमारे भौतिक शरीर पर विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रूप में। गीता में श्री कृष्ण इस शरीर को यंत्र कहते हैं, और चूंकि हम इस शरीर को चलाने की विधि यानी इसका तंत्र नहीं जानते, इसीलिए हमारा मन अवसाद या निराशाओं से घिर उठता है और फिर शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो चलिए इस शरीर रूपी यंत्र का तंत्र जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी मनुष्य की अज्ञानता से आती है। तो ज्ञान की परतें खोलते हुए बीमारियों के प्रकार, बीमारियों के कारण और उसका निवारण भी जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण मनुष्य ना तो अपने अतीत को जानता है कि वो कहाँ था, और ना ही उसे अपने भविष्य की जानकारी है कि वो कहाँ होंगे, क्योंकि अज्ञानता ही हर बीमारी की वजह है। और इसीलिए सबसे बड़ी बीमारी मनुष्य में अज्ञानता ही है, और ये अज्ञानता की बीमारी तब आती है जब मेडुला की शक्ति संकुचित होती है। अगर मेडुला की शक्ति हम बढ़ाते चले जाएं, तो हमारी भीतर की अज्ञानता खत्म ही हो जाए। मेडुला से लाइफ फोर्स एनर्जी यानी शक्ति निरंतर हमारे भीतर प्रवाहित होती रहती है, और जब मेडुला से शक्ति सबसे पहले केंद्र पर पहुंचती है जो आकाश तत्व का घोतक है यानी जो विशुद्धि चक्र है। आकाश तत्व जिसकी तन मात्रा है शब्द यानी ध्वनि, और ध्वनि आत्म जागृति के लिए एक वहीकल का कार्य करती है। जब शक्ति या लाइफ फोर्स एनर्जी मेडुला से सबसे पहले ज्ञान केंद्र में आती है यानी विशुद्धि चक्र में आती है, तो हम ध्वनि की अनुभूति करते हैं यानी हमारी सुनने की क्रिया होती है। और अगर सुनने में हम राग या द्वेष करते हैं तो हमारा दिमाग कमजोर होता है। उदाहरण के लिए जानवरों या पक्षियों की आवाज़ें या कोई भी और या किसी भी तरह की आवाज़ें या ध्वनियाँ जो हमें इरिटेट करे, जैसे कार या मोटरसाइकिल की आवाज़ या लाउड स्पीकर की आवाज़ या किसी भी तरह की आवाज़ें जो बाहर से आती हैं, जिनमें से कई आवाज़ें अच्छी लगती हैं और कई आवाज़ें अच्छी नहीं लगती सुनने में, और अगर हम किसी भी आवाज़ को सुनकर इरिटेट होते हैं या परेशान होते हैं या किसी भी तरह की आवाज़ सुनना अच्छा ही नहीं लगता, तो सबसे पहले हमारे मन के भाव कारण शरीर पर इफ़ेक्ट डालते हैं, और कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर पर सभी तरंगे वाइब्रेट हो जाती हैं, और जब सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है तो इससे हमारा धैर्य कम हो जाता है, जिससे कई प्रकार की दिमाग की परेशानियां आती हैं, जैसे दिमाग का कमज़ोर हो जाना, अधिकतर भूल जाना, कुछ भी बहुत मुश्किल से याद होना, सिर दर्द या माइग्रेशन होना, कोई भी बात बहुत देर से समझ में आना, और भी बहुत सी हमारे दिमाग से रिलेटेड बीमारियां होना। दिमाग से रिलेटेड बीमारियां उसी लेवल तक होती हैं जिस लेवल तक हमारा ध्वनि को लेके या साउंड को लेके इरिटेशन होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण समभाव की बात करते हैं, यानी जो भी आवाज़ हम सुन रहे हैं उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया ना दें, यानी हर आवाज़ को एक ही भाव के साथ हम ग्रहण करें। हाँ, ये बहुत मुश्किल है और ये बहुत कठिन भी है, परंतु असंभव नहीं है, और ध्यान के अभ्यास से हम अपने हर विकार पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि आवाज़ से राग द्वेष होने पर हमारा धैर्य कम होता है, और यदि हम ध्यान के अभ्यास से हर आवाज़ के प्रति समभाव रखें तो हमारा धैर्य धीरे धीरे अनंत होता जाता है, और जब हमारा धैर्य अनंत हो जाता है तो हमारा माइंड सुपर फास्ट वर्क करता है, सुपर एक्टिव हो जाता है।